16 फरवरी को समाधान यात्रा के सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय के सदर प्रखंड के कंकौल गांव पहुंच रहे हैं। इसको लेकर लोगों में एक तरफ जहां उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, वहीं समाधान यात्रा को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी अंतिम चरम पर है, सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सीएम की तैयारी को लेकर बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा एवं एसपी योगेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान डीएम रोशन कुशवाहा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने कस्तूरबा विद्यालय एवं मध्य विद्यालय सहित सदर प्रखंड कार्यालय की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम के आगमन को लेकर तैयारी किस तरह की गई, इसकी जायजा ले रहे हैं। डीएम रोशन कुशवाहा ने ये भी कहा कि सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में 28 स्टॉल लगाए गए और खासकर 52 योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बताते चलें कि समाधान यात्रा के तहत 16 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय के सदर प्रखंड के कंकौल गांव पहुंच रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले कंकौल स्थित कस्तूरबा विद्यालय जाएंगे, जहां बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बगल के ही मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सदर प्रखंड में कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के द्वारा 28 स्टॉल लगाए गए, जिनका सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद वो वहां से बाई रोड होते हुए समीक्षा बैठक के लिए कारगिल विजय भवन जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बेगूसराय जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बेगूसराय जिले के चिलमिल पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, यहाँ मिलेंगे। प्रखंड परिसर में जो स्टॉल्स हैं विभागों के, उसका निरीक्षण करेंगे। जीविका दीदियों के साथ जो उनकी जो किसान जीविका दीदी है उनके साथ संवाद करेंगे और उसके पश्चात जिले में जो कुछ उद्घाटन और शिलान्यास की योजना है उसका अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानकारी लेंगे और उनका समाधान करने का जो ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, कल आती हम लोगों का जिला, तो इस तरह से समाधान यात्रा की कार्यक्रम की तैयारी की है। तत्पश्चात समाधानालय समाचार में समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त। सर, कितने स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे? लगभग 28 स्टॉल हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें अनेक जो योजनाएं हैं उनके लाभान्वित जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। जो कुछ विभाग हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनको दर्शाया जाएगा। सर, कितने की योजनाओं का शिलान्यास होगा? लगभग 52 योजनाओं का शिलान्यास कल प्रस्तावित है, शिलान्यास और उद्घाटन दोनों मिला। समाधान यात्रा के तहत उसी की तैयारियों में फायदा लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सारी जो रूट प्लानिंग है और जितने भी प्रोग्राम है सबको हम लोगों ने बारीकी से देखा है और पर्याप्त मात्रा में 400 मजिस्ट्रेट पल हमारे पास उपलब्ध है। सभी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। करीब 10 के करीब हम लोग सीएसपी से उन्होंने डिप्लॉय किया है, 20 के करीब इंस्पेक्टर्स को डिप्लॉय किया है। देखिए, जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पे हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट रखेंगे और ट्रैफिक को लेकर किसी भी को भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए ट्रैफिक को लेकर हमने एक हमने सेपरेट प्लान बनाया है और ट्रैफिक सिर्फ हम लोग उतने ही देर के लिए रोकेंगे जितनी देर के लिए काफी, जिसके लिए डीएसपी ट्रैफिक और एसएसओ ट्रैफिक की हमने जिम्मेदारी लगाई है। इसके अलावा हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल करके कुछ घरों का एरिया है उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं। आज रात से हमारे जिलों जो बॉर्डर है उसको भी हम लोग सील करके चेकिंग करवाएंगे और एक एक्सट्राइक भी रात को चलेगी। तो कुल मिला के सारी तैयारी हम लोग की पूरी है और सीसीटीवी कैमरा हमारे पास जितने भी हैं जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री तो उसको भी कमांड कंट्रोल रूम से मॉनिटर करा रहे हैं और ऐसे लोग जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनकी भी सूची हम लोग ने बना ली है। आज रात को सभी पे जो प्रशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बेगूसराय पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सुरक्षा बल और सारी चीजें उपलब्ध है और हर बार की तरह इसको सफलतापूर्वक से हम लोग कंकौल गांव को भ्रमण करेंगे। कंकौल में आएंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट में मीटिंग है, उसके बाद हेलीपैड में भी जो पुलिस लाइन में हमारे हेलीपैड में वहाँ से प्रोग्राम है। तो सुरक्षा की थ्री लेयर प्रोग्रामिंग हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा सीसीटीवी से 4 लेयर है हमारा और खुद का हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो 5 लेयर है। 5 से 6 लेयर में जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो हम लोग दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।